अबीर मिला? डर गई क्या? Shut up. अच्छा बेटा, देख खांसी कितनी बढ़ रही है, आजा पहले दवाई ले ले. ले. आपने मंगाई? थैंक्स माँ. थैंक्स अबीर को बोल, वो दवाई ले आया. यूर वेलकम बॉस. वैसे इसमें भी स्वार्थ मेरा ही था, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि रात को खांसना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को खांसने से सोई हुई आत्माएं जाग जाती हैं. ऐसी कोई कहावत नहीं है. अरे तुमने वो बुक नहीं पढ़ी फिलिप्स की, द ट्रू गोस्ट स्टोरीज? यार उसमें पेज नंबर 13, पेज नंबर 38, पेज नंबर 113 सब पे यही लिखा है. कर? क्यों तंग करता है उसे, क्यों डराता है? तुझे पता है ना वो डरती इन बातों से. मेरा फोन. तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारी या तुम्हारी हमदर्दी की अपनी जिंदगी में. संभालना सीख चुकी हूं मैं अपने आप को. मेरी चिंता करना, मेरा ध्यान रखना, मेरे डरने पे मुझे संभालना. जरूरत नहीं है ना तुम्हें मेरी. ठीक है, आज की रात तुम्हें जवाब दे देगी कि वाकई में तुम्हें मेरी जरूरत है या नहीं. हाय सुमन जी. हाँ माधवी जी, अबीर की चिंता हो रही है? नहीं, एक्चुअली मुझे अबीर की नहीं बल्कि उससे ज्यादा आप सबकी चिंता हो रही है, खासतौर से मेहर की. बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा ना ये पागल? अरे नहीं नहीं, उल्टा उसके आने से रौनक आ गई है घर में. बहुत बदमाश है और जिद्दी तो है ही, आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता है कहीं पर भी. एक्चुअली उसकी जरूरत का सामान उसके पास है भी नहीं. तो माधवी जी भेज दीजिए ना, इसमें झिझक किस बात की. थैंक यू सो मच सुमन जी. एक बात कहो माधवी जी. कहिए ना. वैसे तनाव और परेशानी अपनी जगह, लेकिन अच्छा हुआ ये सब हंगामा हुआ, इसकी वजह से तो अबीर यहाँ घर पर आया है मेहर के साथ. चलिए मैं रखती हूँ, सामान भिजवाने की अरेंजमेंट करती हूँ. यू टेक केयर, सबको कहिए अपना ख्याल रखे. हा? जी आप भी. गुड नाइट माधवी जी. बाय. ये जरूर अबीर ही होगा. अबीर ये कोई मजाक की बात? ये तो सो रहा है. कुछ नहीं हुआ मेर, तो डर मत.
प्यारी लग रही हूँ। अब क्या? अभी मेरे कमरे में बहुत है। भूख लगी? भूख नहीं अभी। ये बिस्किट खा लो। छोड़ो, आओ। क्या? मेरे भूख है अभी। अभी उठो ना, क्या मजाक है ये? उठो, ये सब मजाक लग रहा है। मुझे खाओगी क्या? चप्पल तो पहनने दो। अभी चलो ना। मेरे कमरे में किसी की रोने की आवाज आ रही है। तुम ही रो रही होगी नींद में। अरे गिर जाऊंगा मैं। तुम ये सब मजाक दिख रहा है ना? मजाक दिख रहा है? अरे आराम से। अरे संभल के। वो सब छोड़ो अभी। वो देखो, वो देखो, वो देखो। किसने लटकाई ये डॉल अबीर? अभी देख, नहीं वहां वहां मत जाओ। अंदर भी कुछ खून तो देखा बाथरूम का अंदर। अभी चलो। और ये 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 देखो। प्यारी लग रही हो, बड़ा ही छोटा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, हैं? अभी तुम अभी भी मजाक सोच रहा है? ये दिख नहीं रहा कितना सीरियस है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये किसने किया ये सब? टोमेटो कैचअप है क्या? मेहर, ये बाथरूम में मैसेज, ये स्वीट सी गुड़िया, जरूर तुम्हारा पुराना कोई बॉयफ्रेंड है जो तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। बता रहा हूँ।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसम तो टेस्टी है, खट्टा इनफैक्ट। खाओ क्या? खा लो ना, टेस्ट तो करो। ये सब तुम्हारा प्लान था? ये सब तुम्हारा प्लान था? ये सब तुमने किया? क्या बकवास है ये सब, तुम समझते हो? क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, हा? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम जब डरो तो तुम्हें संभालने के लिए, हा? जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या इधर उधर देख रही हो? मेरी आंखों में देखो, आंखों में देखो मेरी। किसने नजरें चुरा रही हूं मैं? मुझसे या सच्चाई से? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है मैं। फिर भी तुम हर बार क्यों जब डरती हो तो मेरे पास ही भाग कर आती हो? हाँ तो पिछले चुप हो जाओ, बहस मत करो। यही तो किया तुमने। अभी भी जब तुम्हें डर लगा तो तुम चाहती तो माँ के पास जा सकती थी, बुआ के पास जा सकती थी, टुल्लू के पास जा सकती थी, पर नहीं, तुम मेरे पास आई। क्यों? एक्चुअली जाने दो, क्योंकि इसका जवाब तुम्हारा और मेरा दोनों का दिल जानता है। महर, अरे महर, देख के नहीं चल सकती यार, लग गई ना। तुम्हें बुलाया मैंने, तुम्हारा नाम लिया। मेरे खून निकल रहा है। मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है ना तुम्हारी। मेरे खून निकल रहा जाओ। है जाओ। जाओ यहां से। अरे मेहर, बात समझने की, ये नहीं सुधरने वाली। अब तुम्हें बुलाया मैंने, तुम्हारा नाम लिया। मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है ना तुम्हारी। जाओ। मेरा निशान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।